बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज 22 सितंबर है और सीओ साहब को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार हुए एक साल हो गया, अभी तक किसी को पैसे वापस नहीं मिले, ना ही कंपनी ने दिए ना ही नैब का ट्रायल स्टार्ट हुआ है। एक ऐसे टाइम पे जब एक नई तर्किश कंपनी के जरिए वादा किया जा रहा है पैसे वापस करने का, तो आज की वीडियो में हम वो कुछ सवाल देखेंगे, कुछ ऐसी बातें देखेंगे जिनका जवाब अभी तक इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। और वो कुछ सवाल भी उठाती हैं कि अगर बिफोर यू पैसे वापस नहीं कर सकी तो तर्किश कंपनी कैसे करेगी। पहली चीज ये है कि इनके बैंक अकाउंट्स बिफोर यू के फ्रीज हो चुके हुए थे 2020 में, लेकिन इन्वेस्टर्स से ज्वाइनिंग्स करवाई गई और उनको यही कहा गया कि जी आप लोग अपना काम करें, लीगल टीम को अपना काम करने दें। और लोगों ने अपने कमीशन की खातिर या अपने पैसे जो डॉलर उनके फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए जो है अपने रिश्तेदारों की ज्वाइनिंग्स कराते रहे और उनको फंसाते रहे। फिर बहुत दफा जब अकाउंट फ्रीज भी थे ये नहीं दे सकते थे पैसे, विड्रॉ की तारीख दी गई, बड़ा माहौल बनाया गया गुड न्यूज का, यूएसडीटी के थ्रू, जैश कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, और फेक रसीदें भी शो की गई, लेकिन किसी को भी पैसे नहीं मिले। और किसी ना किसी बहाने बनाए गए कि जिस बैंक मैनेजर ने ये कह दिया है तो सिस्टम आईटी में फॉल्ट आ गई है, रिवर्सल हो गया है, और वो पैसे नहीं दिए गए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कंपनी के लीडर्स थे वो उन्हीं कंपनियों में पहले भी काम कर चुके हुए थे, वहां भी ये लीडर्स थे जहां पे इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे थे। तो इनको इस नई कंपनी के अंदर जो सीओ साहब ने मलेशिया से आके बनाई थी उनमें कैसे टॉप के ओहदे मिल गए। उनको तो सीओ साहब को रोकना चाहिए था या सीओ साहब को उनको नहीं शामिल करना चाहिए था कि भाई आप लोग तो जिन कंपनियों में पहले फ्रॉड हुआ है वहां पर काम करते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक इसका आंसर नहीं आया वो ये है कि जी क्रिप्टो का जो कारोबार था जो कि 60-40 और जो मलेशिया में था और दूसरे ममालिक में था वो कहाँ गया, क्योंकि वही तो इनका मेन बिजनेस था। इसी तरह केपीएल था कि जी अगर पैसे ही नहीं थे, अकाउंट फ्रीज थे, तो केपीएल को स्पॉन्सरशिप जो दी गई उसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए गए। फिर एक्टिवेशन फीस थी कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब सीओ साहब गिरफ्तार होने वाले थे और विड्रॉ भी नहीं दिया जा रहा था तो वेबसाइट को बंद कर दिया गया और एक्टिवेशन फीस ली गई। और सिर्फ एक्टिवेशन फीस इसलिए नहीं ली गई कि जी ये लीगल कामों के लिए इस्तेमाल होगी, वो इसलिए ली गई कि हम आपको इसके ऊपर प्रॉफिट देंगे और प्रॉफिट का रेट चेंज किया गया, कोई 4 या 5% के ऊपर आ गया था। तो जब इनका कोई बिजनेस ही नहीं था, सारे बिजनेस ठप हो चुके हुए थे, तो फिर क्यों ये एक्टिवेशन चार्जेस लिए गए। फिर एक जो सवाल है जो आज की सिचुएशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब सीओ साहब गिरफ्तार हुए तो लोगों ने कहा कि जी हमें तो आप वो एक्टिवेशन वापस करें, तो उन्होंने कहा कि जी वेबसाइट तो नैब के पास चली गई हुई है। तो अगर वेबसाइट का डाटा नैब के पास चला गया था तो ये अभी जो ये एक ये डाटा का काम हो रहा है इस टाइम के ऊपर जिसमें इतना इन्वेस्टर्स को ख्वार किया हुआ है, तो वो डाटा कहां से फिर आ गया, इसका भी अभी तक सवाल नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। यानी कि और भी बहुत बातें हैं जो इनके गिरफ्तार होने के बाद की गई कि जी इस तरह होगा, जब ये बेल पे वापस आएंगे तो फिर ये आपको क्लियर कर देंगे और एफिडेविट्स भी साइन कराए गए। लेकिन जब सीओ साहब वापस आए तो उन्होंने यही कहा कि जी बिल्कुल सही बात उन्होंने की कि मेरे तो अकाउंट ही फ्रीज है, मैं कहां से पैसे वापस कर सकता हूं। तो अगर एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान की टॉप एमएलएम कंपनी बन गई थी और एक टाइम के ऊपर उनका डिपार्टमेंटल स्टोर भी था जिसमें कहा गया कि जी आपके डॉलर चलेंगे, लेकिन उन्होंने डॉलर नहीं माने, ना किसी को मोटरसाइकिल दी, और तो वही लोग अब जो इस कंपनी में थे वही अब तर्किश कंपनी में भी सामने नजर आ रहे हैं। तो कैसे जब ये इतनी बड़ी कंपनी जिसके 3-5 लाख मेंबर बताए जाते हैं वो विड्रॉ नहीं दे सकी, तो एक ऐसी कंपनी जिसका वजूद ही कोई नहीं है, जो सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर है, वो कैसे विड्रॉ देगी अगर वो मनी रोटेशन नहीं करती। और अगर मनी रोटेशन करती भी है तो इतने ज्यादा लोगों को पैसे नहीं दिए जा सकते, और उन्होंने प्रोमो भी लगा दिया, तो अगर कोई बिजनेस ही नहीं है तो प्रोमो के पैसे कहां से आएंगे वो जो इतना ये प्रॉफिट देंगे। काफी ज्यादा सवाल हैं जो अभी भी हैं, अभी तो हमने सिर्फ वो देखे हैं जो गिरफ्तारी से पहले थे। बहुत बहुत शुक्रिया।